2018 में आई रोबोट 2.0 भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है। इस मूवी का बजट 547 करोड़ रुपए है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 800 करोड़ रुपए है। अब जब इतनी बड़ी फिल्म है तो इसका बिहाइंड द सीन तो माइंड ब्लोइंग होना लाजमी है। रोबोट 2.0 का पहला सीन है या जब लोगों के हाथ से मोबाइल फोन उड़ने लगते हैं, तो उसमें कई सारे शहर और सड़कों को भी दिखाया जाता है। एक्चुअली यह जो लोकेशन है वह EVP फिल्म सिटी का है। यह लोकेशन बेंगलुरु के नेशनल हाईवे के साइड में पड़ता है जो संतोषा नगर में है। इस फिल्म सिटी के अंदर मूवी का मैक्सिमम पार्ट शूट हुआ है। यही मोबाइल स्टोर दिखाए गए हैं और इसी जगह ट्रक वाला शूटिंग भी हुआ है और इस फिल्म सिटी में ही तोड़फोड़ और कई सारे एक्शन सीक्वेंस भी शूट हुए हैं। मोबाइल फोन से भरी ट्रक जब स्टोर में आने वाली होती है या उसी वक्त का सीन है। देखिए इसे किस तरह से नाइट में शूट किया गया था, जो एक्चुअली चेन्नई के नेशनल हाईवे पर ही फिल्माया गया है। इसी सीक्वेंस के अगले पार्ट में कुछ इस तरह से शूट किया गया था। यहाँ टेलीकॉम कंपनी के ऑनर का सामना जब पक्षी राजन से होता है। एक्चुअली इस सीन को शूट करने के लिए कई सारे ट्यूब लाइट्स को कुछ इस प्रकार से सजाया गया था, तब जाकर यह प्यारा सा शॉट आपको मूवी में देखने को मिला। इस सीन में वसीकरण और एमी जैक्सन यानी नीला को फिल्म में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ उनसे मिलने एक्सल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए हुए होते हैं। उनकी मीटिंग होती है जिसमें से एक स्टूडेंट एमी जैक्सन पर कायल हो जाता है। देखें यहाँ किस तरह से रजनीकांत सर अपने शॉट को देख रहे हैं। फिल्म में यह उस समय का सीन है जब पक्षी राजन मिलिट्री पर हमला करता है। इस सीन को शूट करने के लिए डुप्लीकेट टैंक्स बनाए गए थे ताकि उसे शूटिंग के दौरान विस्फोट कराया जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि यहाँ इस शूटिंग के लिए दो विस्फोट कराए गए थे, टैंकों की और एक कार की, जो बिल्कुल रियल थे। मूवी के अगले सीक्वेंस में पक्षी राजन का शहर में अटैक होता है। यहाँ जो शहर दिखाई गई है वो EVP फिल्म सिटी के ही अंदर का है, जिसे इस फिल्म के लिए ही क्रिएट किया गया था। एंड बाकी बिल्डिंग्स में जितनी भी तोड़फोड़ हुई जो सीन है उसे VFX स्टूडियो में तैयार किया गया था। साथ ही चिट्टी द्वारा किए गए कुछ एक्शन सीक्वेंस 3D मॉडलिंग से भी क्रिएट किए गए हैं। द फ्लोर नामक एक हॉलीवुड कंपनी ने इस मूवी के लिए विजुअल वर्क किया है। इस पूरी फिल्म के लिए उनके 1000 VFX आर्टिस्ट की टीम थी। इस दौरान उन्होंने 1360 विजुअल शॉट्स तैयार किए थे। दैट्स अमेजिंग। एक्चुअली रोबोट 2.0 पहली भारतीय फिल्म है जिसे पूरी तरह से 3D में बनाया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी फिल्म पहले 2D में शूट होती है, फिर उसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D में बदला जाता है, बट रोबोट 2.0 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ब्लेंडर, रिविट और माया सॉफ्टवेयर से फिल्म को पहले 3D एनिमेशन में बनाया गया था। यूं तो मूवी में आपको कई सारे ऐसे सीन देखने को मिल जाएंगे जो रियल है ही नहीं। इन सारे शॉट्स को CGI के द्वारा ही किया गया है। आप जो इस शख्स को यहाँ देख रहे हो वह नीरव शाह है। वह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस सिनेमेटोग्राफर हैं। उन्होंने धूम 2, वाली मैं और टाइगर सीरीज के लिए भी सिनेमेटोग्राफी करी है। उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की टनेट की मुंबई वाली शूटिंग को भी सिनेमेटोग्राफी करी थी। मूवी में वसीकरण के लैब को दिखाया जाता है जो पूरे 3 फ्लोर का होता है। एक्चुअली जितने भी इक्विपमेंट्स, रोबोट्स और कई सारी चीज़ें जो दिखाई जाती है वो पहले ही फ्लोर में उसे तैयार किया गया था, मतलब उसको कॉपी पेस्ट किया गया था। यानी कि बाकी ग्रीन बैकग्राउंड के जरिए कुछ इस तरह से मूवी में 3 फ्लोर क्रिएट किए गए थे। मूवी के इस सीन में पक्षी राजन द्वारा वसीकरण जी के घर पर हमला होता है, उसका यह सीन है। एक्चुअली जितनी भी दीवारें हैं उसे ग्रीन कलर से पेंट किया गया था ताकि बैकग्राउंड को VFX के जरिए बदला जा सके।
और फिर पक्षी राजन का चिट्टी से आमना सामना होता है, लेकिन यहाँ चिट्टी हार जाता है, जिसके बाद पक्षी राजन का असली रूप हमें मूवी में देखने को मिलता है, यानी पंख वाला। पक्षी राजन के बाद फिल्म में चिट्टी का नया अवतार होता है, यानी रोबोट 2.0। उसका चाल ढाल और रेड कलर के बाल, यानी सब कुछ ही नया। यहाँ रजनीकांत सर अपना शॉट देखकर हंस रहे हैं। रोबोट 2.0 अपने साथ बाकी रोबोट को पक्षी राजन के खिलाफ खड़ा करता है। यहाँ उसी का BTS है, जब वह दूसरे रोबोट से बात करते हुए नजर आए थे। एक्चुअली इस सीन को दो क्रू मेंबर्स को आप ग्रीन कलर के सूट में देख रहे हो, जो निर्देशन के अनुसार रोबोट का हाथ पकड़कर हिला रहे हैं। बाकी फाइनल आउटपुट में वह नहीं दिखेंगे। मूवी का क्लाइमेक्स एक स्टेडियम में फिल्माया गया है। मैं आपको बता दूं कि यह जो लोकेशन है वो एक्चुअली दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का ही सीन है। इस लोकेशन पर तीन तरह से शूटिंग हुई थी। पहली शूटिंग में स्टेडियम भरी हुई थी, जिसे बाहरी लोगों से भरा गया था ताकि कुछ पार्ट की शूटिंग हो सके। उसके बाद जितने भी लोग स्टेडियम में थे वो सारे क्रू मेंबर्स और कलाकार ही थे। जब पक्षी राजन के पास रोबोट 2.0 आता है तभी का यह सीन है। एक्चुअली वह एक ऑक्टोपस कैमरे को पकड़कर बीच फील्ड तक पहुंचता है, वहीं उसके पीछे कैमरामैन भी इस तरह से आता दिखेगा। पक्षी राजन के पंख उगने और गायब होने की शूटिंग को एक स्टूडियो में ही शूट कर लिया गया था, जिसके बाद उसे जो ट्रांजिशन इफेक्ट के जरिए रिप्लेस और ऐड किया जाता था। वैसे तो मूवी का मैक्सिमम सीन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में ही हो गया था। बाकी जितने भी तोड़फोड़ आपने देखा था उसके लिए एक अलग सा स्टेडियम जैसा सेट तैयार किया गया था। बाकी की शूटिंग वहीं पर हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार साइंटिस्ट रिचर्ड का किरदार निभाते नजर आए हैं, जो एक एक्सपेरिमेंट करते वक्त खुद को भयानक क्रोमैन में बदल लेते हैं। वैसे तो अक्षय कुमार की तीन अलग अलग लुक आपको यहां देखने को मिल ही गई थी, जिसमें उनका यह वाला जो लुक है और फाइनल क्रोमैन वाला लुक सबसे इंटरेस्टिंग था। अक्षय कुमार के इस पावरफुल लुक को तैयार करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया गया था। इसे प्रोस्थेटिक मेकअप भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया जो है वो काफ़ी दर्दनाक होता है, क्योंकि अक्षय ने अपने इस मेकअप के बारे में कहा था कि उन्हें इसके लिए रोजाना 4 से 6 घंटे तक एक चेयर पर ही बैठ कर रहना पड़ता था, और तो और 2 घंटे तो मेकअप उतारने में लग जाते थे। यह प्रोसीजर पूरे 40 दिनों तक चलता रहा। एंड प्रोस्थेटिक मेकअप के बाद आपको एक बात बता दूं कि भूखे पेट ही शूटिंग करना होता है। एक्चुअली यह एक प्रकार का ऐसा मेकअप होता है कि जिसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि केवल आप लिक्विड डाइट ही ले सकते हो। फिल्म मेकर्स ने जमकर पैसे बहाए हैं, क्योंकि केवल अक्षय कुमार के मेकअप में ही उन्होंने 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। दैट्स ऑसम। लाइका प्रोडक्शन हाउस ने पैसे खर्च करने में कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि एक तरफ सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार हैं, तो वहीं फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर हैं, जिन्होंने इससे पहले आई जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं। एमी जैक्सन ने मूवी में नीला का किरदार निभाया है, जो एक रोबोट रहती है। मैं आपको बता दूं कि उनका डायरेक्टर साहब के साथ दूसरी फिल्म है, जबकि पहली फिल्म विक्रम के साथ थी आई, यानी आई मूवी, जिसमें एमी जैक्सन और विक्रम थे, जो ब्लॉकबस्टर रही थी। यहाँ आप एमी जैक्सन को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म होते देख रहे हो। रजनी सर की मूवी रोबोट 2.0 और हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगर चाहते हैं कि हमारी मुलाकात आप लोगों से होती रहे तो इसके लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।